हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंस की चिंता, अड़ोस पड़ोस लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार तो कॉम्प्लीमेंट्री है और घर वाले, उनसे तो हम बच ही नहीं सकते। इतनी सारी चिंताएं सुबह से शाम दिमाग में चल रही होती है और ऊपर से जो हुआ नहीं है यानी कि फ्यूचर, उसकी एक अलग टेंशन चल रही होती है। तो एक बात बताइए, अगर इंसान टेंशन लेना ही छोड़ दे तो कैसा होगा? वैसा आइडिया बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब भी आपकी आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जान सकते। तो ये जो टेंशन का पिटारा है उसे कैसे डील किया जाए, छोड़ा जाए, रखा जाए या कोई और तरीका, सब जानेंगे। उसके लिए आधा घंटा वेट कीजिए, आधा घंटा इंतजार कीजिए और आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए आज की ये बुक समरी पे। जिसके तो चलिए जानते हैं आज की ये बुक समरी, काम द फक डाउन, जिसे लिखा गया है सारा द्वारा। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, ये बहुत नेचुरल चीज़ जिसे हम रोक नहीं सकते। और जब हमें उलझनों का सामना करना पड़ता है तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और दिन का चैन तो पता नहीं दिखाई नहीं देता। पर सवाल ये है कि मुश्किल हालात में हम खुद को कंट्रोल में कैसे रखें, कैसे अपने परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करें। अभी तो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें राइट डिसीजन की जरूरत पड़ती है और राइट डिसीजन के लिए हमारे थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उलझा हुआ दिमाग किसी भी परेशानी का सही जवाब तो निकाल ही नहीं सकता। और जब तक हमें सही और गलत का फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। तो ये समरी में हम जानेंगे कि कैसे खुद को ऑर्गेनाइज रखें, यानी रिसोर्सेस, फीलिंग्स और मेंटल हेल्थ को, सबको हमको फिट रखना होगा, तभी हम परेशानियों के जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो आज की ये समरी हमें सिखाएगी कि सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। और हमको देखना होगा कि हमको उस सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं हम, या फिर साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हम पहले से तैयार रहे तो हम उनका डट कर सामना कर सकते हैं। सिचुएशन हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और ना ही हम उन्हें अपने मन मुताबिक ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये परेशानियाँ अक्सर आती जाती है, हालांकि हम सिचुएशन आने पर चीज़ों को बखूबी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर बिना घबराए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए हम आज की इस ऑडियो बुक समरी से सीखेंगे। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, यू आर फ्रीकिंग आउट, यानी कि हम कभी शायद अपने काम को लेकर के बहुत टेंशन में होंगे जो हमें ख़त्म करने हैं, निपटाने हैं। तो शायद हम उन चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे जो कि अभी तक हुई भी नहीं है। तो ये अकेले सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो ये सुन करके खुश हो जा रही है, बल्कि आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों का सेम टाइम है। अक्सर हम बेवजह इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हम बेवजह घबराते रहते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते रहते हैं कि सोच सोच के कि दिल का ताड़ बना देते हैं। डर और एंजाइटी के मारे हमारे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, तो इसे एक तरह से फ्रीक आउट बोल सकते हैं। हम फ्रीक आउट इसलिए हैं क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। ये सवाल हमारे दिमाग में दिन रात घूमते रहता है, अगर हमने रिपोर्ट्स खराब कर लिए तो क्या होगा, अगर हमारा साथी दूर चला जाए तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमें फ्रीक आउट कर देते हैं जो कि हमें कोई काम का नहीं छोड़ते, यानी एक तरीके से हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ना ही हम कुछ कर पाते और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। फ्रीक आउट्स कई तरीके के होते हैं। सारा नाट्स इस बुक की जो ऑथर है वो फ्रीक आउट को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये रीजन है एंजाइटी, सैडनेस, एंगर और अवॉइडनेस। एंजाइटी में हम आने वाले कल की चिंता में घूमते रहते, डूबे रहते हैं। जो लोग हमेशा चिंता में रहते वो किसी काम के नहीं रहते, ना तो वो किसी चीज़ में मन लगा पाते हैं और ना ही कोई सही फैसला ले पाते हैं। कुछ ना करना भी हमें और ज़्यादा अपसेट कर देता, तो एक तरीके से ये नेवर एंडिंग साइड है। अब आगे सैडनेस की बात करें तो होपलेसनेस की जो हैवी फीलिंग है वो है जब हमें कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आती है। इंसान नेगेटिव बातें सोचता रहता है, ये बेहद एग्जॉस्टिंग फीलिंग रहती है। जब हम सारा वक्त रोते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी एनर्जी ख़त्म कर लेंगे और हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहेगी। ऐसे में इंसान खुद और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने लगता है। अब तीसरे नंबर पे आता है गुस्सा। हम जब अपसेट होते हैं तो हमको बेवजह गुस्सा आने लगता है, बिना बात के गुस्सा आने लगता है,
और गुस्से में हम और भी इम्पल्सिव हो जाते हैं, और यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेना, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अक्सर गुस्से में इंसान किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है और बाद में पछताता है, सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और हमें पता है कि जब तक हम ये रियलाइज़ करते तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। गुस्से में कही हुई बातें सामने वाले को अंदर तक हर्ट कर जाती है। अक्सर गुस्से के कारण ही लोगों के आपस के रिलेशंस खराब होते हैं। और नंबर 4 पे आता है अवॉइडनेस। दरअसल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का मतलब है अपने रिसोर्सेस, अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट करना, काम को टालना, अवॉइड करना। इन सब को करने के बजाय हम काम को करने के रिसोर्सेस यूज करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और नुकसानों इंसानों के पास वो रिसोर्सेज है जैसे कि टाइम, एनर्जी, पैसा, ये सब लिमिटेड अमाउंट में होता है। इसीलिए फ्रीक आउट करके हम इन रिसोर्सेज को एक तरीके से वेस्ट ही करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना यानी टाइम वेस्ट करना, ऐसा ही और एक रिसोर्सेज है जिसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल यानी कि वो सेवाएँ, वो सर्विसेज जो हम लोग हमको देते हैं जो जब लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं, जब लोग हमारी प्रॉब्लम्स में हमको हेल्प करने के लिए अपने रिसोर्सेस हमारे साथ शेयर करते हैं। इसीलिए टाइम, एनर्जी और पैसा, इन तीनों इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बात पे शिकायत करना या बात बात पे पैनिक हो जाना, हमको दूसरों की गुडविल मिलनी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को धीरे धीरे लोगों से फेवर मिलना बंद हो जाता है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अक्सर मुसीबत में ऐसे लोग खुद को एकदम अकेला पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना आम आदत है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा टीवी खराब हो गया। हम टीवी ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन को बुलाते हैं जो पूरे 1 घंटे तक टीवी ठीक करने की कोशिश करता पर कर नहीं पाता क्योंकि वो राइट टूल्स लाना भूल गया। हमको इतना गुस्सा आता है कि मारे गुस्से के हम पेन का ढक्कन चबाने लगते हैं और हमारा दांत टूट जाता है। और देखा आपने, नुकसान किसका हुआ? हमारा खुद का ही हो गया नुकसान। एक गुस्से की वजह से हमने अपना दांत तुड़वा लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन से हम दूसरों की गुडविल से पक्के से हाथ धो बैठेंगे। दूसरों की नज़र से देखें तो हमारे गुस्से में हमने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। लोग यही कहेंगे कि तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए था, बल्कि उन्हें तो इसमें फ्रीक आउट होने वाली कोई बात ही नहीं लगी। हमारे लिए सॉरी फील करने के बजाय उल्टा लोग हमें ब्लेम करेंगे। लेकिन हम ये कैसे जान सकते कि इस प्रॉब्लम के पीछे अपने रिसोर्सेस को यूज़ करना है? तो इसके लिए हम मेंटल डीक्लटरिंग अप्रोच को हेल्प ले सकते हैं। चलिए जानते हैं मेंटल डीक्लटरिंग अप्रोच के बारे में। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है टेंशन फ्री हो जाइए, और दूसरा है सोचो और फिर अपना रिस्पॉन्स प्लान करो। अब लोग हम यहाँ पे समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, कि हम पहले खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं। तो जब हम कोई सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना बेकार है। हम बेवजह उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि टेंशन लेने से हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन हम शायद हमारे कंट्रोल में है, तो सोचिए कि हम उसमें कैसे रेस्पॉन्ड और एक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन हमारे हाथ में हो ना हो, हाँ उस पर रिएक्ट कैसे करना, ये ज़्यादा जरूर हमारे हाथ में। ऐसे मौके में मेंटल डिक्लटरिंग अप्रोच याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, अगर हमें ऐसे मौके पर इमोशनल हो जाए। इमोशनल होना एक बहुत बड़ी नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है। कभी कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। लेकिन इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं जो हमें आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी इमोशनल होकर के डिसीजन मत ले। कुछ देर के लिए आप अगर इमोशनल हो भी गए तो कोई बात नहीं, अपने इमोशंस से वाकिफ होना भी बहुत ज़रूरी बात है। दिल का गुबार निकाल करके इंसान हल्का महसूस कर सकता है। दुनिया में हर कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। फीलिंग्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ज़रूरत है, पर इमोशंस को खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हावी मत होने दीजिए। जब आप एकदम काम डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इमोशनल फीलिंग का बेसिक ह्यूमन नेचर है, तो कुछ देर के लिए रोया धोया जा सकता है, पर हमको जल्द से जल्द इस पर काबू भी पाना पड़ेगा, तभी हम कुछ प्रोडक्टिव और क्लियर सोच पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको एग्ज़ाम देना है, हम बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे होगा,
लाइब्रेरी जाते टाइम हमारे पसीने छूट रहे होते हैं एग्जाम कल है और अभी हमको रिवीजन भी करना है, तभी एक पोस्टर पर हमारी नज़र पड़ती है। ये हमारे फेवरेट स्टोर का पोस्टर है जहाँ सेल लगी है और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हम स्टोर पर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद हमको थोड़ा बेहतर लग रहा होगा, हम रिलैक्स भी हो रहे होंगे, कुछ भी हो रहे होंगे, पर हमको अंदर से पता है कि हमारी जो ये खुशी है वो टेम्परेरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने अपना रिसोर्सेज वेस्ट कर लिया। टेंशन से निजात पाने के लिए हमने अनचाही शॉपिंग की और साथ ही अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर दिया। जो टाइम हमने शॉपिंग पे वेस्ट किया उस टाइम हम पढ़ाई कर सकते थे, कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे। अगर हमने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली तो शायद हम एग्ज़ाम्स को लेकर के परेशान नहीं होते, हमको ये एंजाइटी जो होती है उतनी नहीं होती। यहाँ हमें खुद को फ्रीक आउट करने से बचा सकते थे, हमको यहाँ पे मेंटल डीक्लटरिंग मेथड को यूज करना चाहिए था। ये सिचुएशन एकदम हमारे कंट्रोल में थी। एग्ज़ाम में हमारी खुद की परफॉर्मेंस, खुद के एफर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। एग्ज़ाम यानी कि शॉपिंग में जा कर के हमने टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों वेस्ट कर दिया, जबकि ये तीनों बचा सकते थे हम, है ना। तो चलिए इस चैप्टर में जो बातें पढ़े हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, काम द फक डाउन, यानी कि हमने मान लिया कि कभी कभार हम फ्रिक आउट हो ही जाते हैं तो आगे क्या। हम खुद को तैयार करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स फ्री हो जाए, तो इस तैयारी में यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। पहला तो है कि प्रॉब्लम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, दूसरा प्लान बनाना। सबसे पहले तो अर्जेंट और नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना, ताकि ये पता चल सके कि कौन से प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी है और उसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि ये प्रॉब्लम अर्जेंट है या नहीं, तो इसका जवाब सिंपल है, या हम ये देखें कि वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ सकती है या नहीं। अगर आ सकती है तो कितने परसेंट चांस है, हम प्रॉब्लम को नीचे दी गई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिससे हाईली अनलाइकली, पॉसिबल बट नॉट लाइकली, लाइकली हाईली लाइकली और इनएविटेबल। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम अर्जेंट है या नहीं। वैसे जरा इस सिचुएशन के बारे में भी सोचिए, आप स्की कर रहे हैं तो स्केटिंग में आपको ये भी डर होगा कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, लेकिन नहीं भी करते तो आपको चोट लगने के चांसेस काफ़ी कम है। वहीं दूसरी तरफ एक गोल्ड मेडलिस्ट के चोट खाने के चांसेस शायद आपसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो एक तो रेगुलर स्केटिंग करता होगा और दूसरा उसको हाई स्पीड और ऊंचाई से मोर चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे मोड में। और पर यह भी मुमकिन हो सकता है कि उसके पास में बहुत सारा अनुभव है तो वो चोट ना खाए और वो इस खेल में माहिर भी हो चुका होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि आप किस इंसिडेंट, किस घटना के होने के चांसेस डिसाइड करें। स्किल यूज करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला तो ये कि ज्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं, दूसरा ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कैसे किया जाए। ये अप्रोच हमको प्रॉब्लम का रियलिस्टिक व्यू यानी कि असली पहलू देखने में हेल्प करेगा। जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पहले से उसे सॉल्व करने के एक्शन ले लीजिए। इस तरह आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी सिचुएशन पर आपका कितना कंट्रोल है। आप ये भी देखेंगे कि इन कैटेगरीज पे किस प्लेस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल है, और ये भी देखेंगे कि देखिए कि प्रॉब्लम आपके हाथ में है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके इन्फ्लुएंस में, या एकदम आपके कंट्रोल में है, आउट ऑफ हैंड्स यानी कि आपके हाथ में नहीं है, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल है मौसम यानी कि वेदर, जो कि हमारे कभी भी हाथ में नहीं होता। ठीक ऐसे लोगों के फैसले, उनके एक्शंस हमारे हाथ में नहीं होते। अपना योगदान दीजिए, मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि ज़्यादातर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है, हालांकि हम थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है तो छाता लेकर के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लेकर के हम खुद को बारिश में भीगने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला है हमारे इन्फ्लुएंस में, अंडर योर इन्फ्लुएंस, यानी कि ज़्यादातर सिचुएशन में हमारा कंट्रोल है, यानी कि जल्दी उठने से पहले अलार्म सेट करना। हालांकि पावर कट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये हमारा अलार्म ऑफ कर सकता है, जिसे हम सुबह उठने में लेट हो सकते हैं। अगला है पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, कुछ ऐसा एक्शन या डिसीजन जो हम डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि दूसरों से क्या बोलना है, और ये हमारे हाथ में है, और इस बात को एक्सेप्ट करके कि कुछ खास सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने लिमिट को एक्नॉलेज कर सकते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते। बेसिक खुशी की बात नहीं है, लेकिन हमको एक्सेप्ट करना ही होगा या वरना हम फ्रिक आउट हो सकते हैं। इसीलिए खुद को काम डाउन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सच को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। यह हमको कुछ ये सवाल पूछने में भी हेल्प करेगा कि क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने रिसोर्सेस लगाए या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो हम उस अपने रिसोर्सेस लगा करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम हमारी है ही नहीं। कई बार किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना और भी चैलेंजिंग हो जाता है,
हम चाहे तो अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन को ऑथर सारा नाइट कहते हैं कि स्लाइट ऑफ हैंड यानी एंजाइटी दूर भगाने के लिए किसी और चीज़ पे फोकस करना। स्लाइट ऑफ हैंड यानी जो चीज़ हमें परेशान कर रही है अपना ध्यान उस पर से हटा के किसी और चीज़ पे लगा दे। जैसे कि उदास होने पर हम सेल्फ केयर एक्टिविटी कर सकते हैं, गुस्सा आने पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको काम डाउन करती है और कुछ टाइम के बाद हमको याद भी नहीं रहेगा कि हम किस लिए परेशान थे। वैसे फ्रीक आउट से बचने के लिए कुछ और भी टिप्स है। जब हमको गुस्सा आए, प्लॉन्टिंग और योर रिवीज एक्सरसाइज करने से जो हमको दुख पहुँचाएंगे उसे सबक सिखाने की एक लिस्ट बनाने से, लेकिन हमको ये रियल नेम में वो नहीं करना है, बस मन ही मन उन चीज़ों के बारे में सोचना है, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसे एक बार ट्राई करके देख लीजिए, हम खुद हैरान रह जाएंगे। फिर से एक बार जानते हैं इस चीज़ को। फ्रीकआउट से बचने के लिए कुछ और टिप्स है। जो हमको गुस्सा आए तब प्लॉन्टिंग योर रिवेंज यानी कि हमारी जो रिवेंज करने का तरीका है उसको हम क्या करेंगे, या तो हम एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं उस टाइम पे जो हमको दुख पहुंचाएगा, या फिर जो हमको दुख पहुंचाएगा उसे सबक सिखाने के तरीके को एक लिस्ट बना ले। लेकिन इसको रियल में करना नहीं है, बस मन ही मन उस चीज़ों के बारे में सोचना है। इससे हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और एक बार ट्राई करके देख लीजिए इस चीज़ को। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ काम ना कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर होती है लेकिन फिर भी हम बेकार में ही चिंता करें, परेशान होते रहते हैं। ऐसे में सोचिए कि आपके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, क्या आप उन्हें बेकार में खर्च कर देंगे, बल्कि वहाँ खर्च करेंगे जहाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ना। मान लो आधी रात गुजर गई पर आपको अब तक नींद नहीं आई, हम परेशान हो रहे क्योंकि हमने ऑफिस में अपने ही कलीग रूथ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसी वजह से परेशानी के मारे हमको नींद नहीं आ रही है। क्या रूथ को आपकी बात का बुरा लगा होगा, या फिर क्या वो बाकी लोग को आपकी इस रूड बिहेवियर के बारे में बता देगी, या फिर सीधा जा करके बॉस से आपके कंप्लेंट कर देगी। फ्रीकआउट का ये एकदम क्लासिक एग्जांपल है कि आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं और सो नहीं पाए हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया, हम आप कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, फ्रीकआउट होने के लिए बचने के लिए हमको कुछ यूँ कर सकते हैं कि पहला स्टेप है कि खुद से पूछिए कि क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि बहुत देर हो गई है, रूथ से ही जाके पूछना कि वो क्या तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा, ये तो बहुत अजीब होगा। यानी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हालांकि गहरी नींद सो जाना हमारी प्रॉब्लम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी सिचुएशन के सच्चाई से एक्सेप्ट करिए। परेशानी में ठीक से सो पाना बहुत मुश्किल होता है, ये परेशानी कम करने के लिए नींद एक स्टेप है। नींद को एक ऐसी चीज़ मान लीजिए जो आपको कल सुबह सिचुएशन को सक्सेसफुल हैंडल करने में हेल्प करेगा। यानी कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हालांकि गहरी नींद सो जाना हमारी प्रॉब्लम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी सिचुएशन की सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करें। परेशानी में ठीक से सो पाना मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नींद एक स्टेप्स है जो आपको लेना पड़ेगा। नींद को एक ऐसी चीज़ मान लो जो आपको कल सुबह सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करने में हेल्प करेगा। तो इसी बात पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिससे हमारी ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो डील विथ इट। तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद को फेडअप होने से रोक सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पे हमें तीन स्टेप्स दिया है, प्रिंसिपल शेयर किए हैं जिससे हम फ्रीकआउट होने से बचा सकते हैं। पहला, हमको स्टॉक्स लेना होगा। दूसरा, हमें रियलिस्टिक आइडिया पे आउटकम लेना होगा यानी RIO को पहचानना होगा। तीसरा, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेसफुल टेक स्टॉक्स, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम परेशान हो जाते हैं, अक्सर जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे में कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। हम क्लियर माइंड से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी इमोशंस को रोकिए मत, एक्सप्रेस करिए। अगर रोने का मन करे तो रो लीजिए, एक बार आप रिलैक्स्ड हो गए तो दिल हल्का हो जाएगा और आप क्लियर माइंड से सोच पाएंगे। याद रखिए कि इमोशंस हमें थका देते हैं और हमारे पास वेस्ट करने के लिए पैसा, टाइम और एनर्जी जैसे रिसोर्सेस लिमिटेड है। जो सिचुएशन हमारे सामने है उसे अवॉइड ना करें बल्कि उसे फेस करें। फिर उस सिचुएशन से निपटने के सारे पॉसिबल तरीके सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, इससे प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी। टेकिंग स्टॉक्स का मतलब है हम सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं।
हर रूट के फायदे और नुकसान सब सोच कर कंसिडर करें। इस पॉइंट पे आ गए, हमको तुरंत कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक आउटलाइन बना लीजिए ताकि जब एक्शन लेना पड़े तो हमको पहले से मालूम हो कि क्या स्टेप उठाना है। अब अगला स्टेप आता है अपने रियलिस्टिक आइडिया आउटकम को आ रही हो को वाइंड आउट करना। तो अब हमने मल्टीपल सीनोरियो सोच लिए होंगे और हमें जो भी मोस्ट सुइटेबल सीनेरियो लगे उसे चूज करें और खुद से सवाल करें कि मुझे कैसे पता कि यही मोस्ट आइडिया है। तो जवाब है बी ऑनेस्ट, यानी आपको पूरी ईमानदारी से जवाब देना है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर अपनी एबिलिटी को जज करने की कि हम उसे अचीव कर सकते हैं या नहीं। साथ ही ये भी देखिए कि ऐसा क्या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हम जूते लेने गए लेकिन जूते हमको फिट नहीं हो रहे। बेशक हमको जूते कितने भी पसंद हो उसे लेने की गलती मत करना, क्योंकि जूते अगर टाइट हुए पैरों में छाले पड़ सकते हैं। हमको ये जूते हमारे किसी काम के नहीं है। खुद से ऑनेस्ट होने का यही मतलब है, जो सच में है उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अगर हम अनलाइकली आउटकम चूज करते तो हमारी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब में डिवाइड करें, जैसे कि ईआर नर्सेस अपने पेशेंट को मैनेज करते, ठीक ऐसे ही हमको अपने काम को प्रायोरिटी पर सेट करना होगा, अपने एक्शंस को सेट करना होगा। नर्स अपने सबसे पहले जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होगा नर्स उनको ही प्रायोरिटी देती है। और ये सीनेरियो हमको लोगों को प्रायोरिटी को हिसाब में रख करके देखिए कब हमें फ्रीक आउट करना है कब नहीं। इससे हम बेटर फोकस कर पाएंगे, अपना माइंड क्लियर कर पाएंगे और साथ ही अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को भी मैनेज कर पाएंगे। वैसे कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल रहना होगा। कई बार हमें दूसरे लोगों को समय पूछे बिना ही काम बना लेते, तो ऐसे में नेचुरल है कि हम परेशान हो जाते हैं, लोग ये सिचुएशन कैसे बदल गई, हमारे लिए इनएफिशिएंट है, हम बड़े अच्छे से अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, यानी टेंशन लिए बिना ही किसी सिचुएशन पे अपना रिएक्शन दे सकते हैं। इसके लिए हमको 3 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे और किसी भी लास्ट मिनट से इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हो, अचानक से आपकी मदर ने फ़ोन किया, कॉल किया कि वो शहर में आपसे मिलने आ रहे हैं। वो बड़े एक्साइटेड होकर के बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन आप थोड़े अपसेट हो जाते हैं, आप उस दिन रिलैक्स करना चाहते थे। बेशक आप अपने माँ के आने से खुश है, पर ये कुछ आप अपनी शर्तों पर चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि माँ इस तरह अचानक आए, आपके घर की हालत ख़राब है और आप अपनी माँ से वापस जाने को भी नहीं बोल सकते, और ना ही आप चीज चाहेंगे कि वो एक अनजान शहर के एयरपोर्ट पर अकेले आपका इंतजार करते रहे। आखिर माँ के आने में अभी कुछ घंटे बाकी और आप सोच सोच करके परेशान हो रहे कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे में हमको सिचुएशन के हिसाब से अपना लिमिटेड टाइम और एनर्जी मैनेज करनी होगी। हमने जो ऊपर 3 प्रिंसिपल पढ़े हैं उसके हिसाब से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक स्टॉक। आइडियल सिचुएशन के हिसाब से अपने मेहमान के लिए घर एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। वैसे कि आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपकी माँ आपके गंदे घर को देख करके कुछ कमेंट करें। अगला सिचुएशन है कि RIO यानी कि रियलिस्टिक इंडियन आउटकम को चूज कर ले। आपने अपना आउटकम को चूज कर लिया कि घर आकर के माँ को कंफर्टेबल फील कराना है। तो इसके लिए हमको 2 चीज़ें डिसाइड करनी होगी, क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे लेने हैं। फाइनली प्रायोरिटी सेट करें, घर की क्लीनिंग करते टाइम स्टेप्स फॉलो करें। पहले गेस्ट रूम की सफाई करें, सबसे पहले बेड पर नई चादर बिछाइए। दूसरा स्टेप, जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके रख दें। तीसरा, धूल और गंदगी साफ करें, अच्छे से डस्टिंग करें। और लास्ट में कमरे में खुशबूदार कैंडल्स जला दें तो या फिर अच्छे से स्प्रे कर सकते ताकि बदबू वगैरह चले जाए। तो देखा आपने, ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जहाँ हमें अकेले आराम करने का प्लान बना रहे, लेकिन घर में आए सिचुएशन को आपने हैंडल किया और जो आउटकम को आपने में बना लिया। साथ ही हम ऐसे वक्त में फ्रीक आउट भी नहीं हुए। कुल मिलाकर के हमने एक काम डाउन और फ्लेक्सिबल मैनर में सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। और इन्हीं सारी बातों के साथ में हम पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन तक। तो भाई मुद्दा मामला एकदम सिंपल है कि यहाँ पे हमने सीख लिया कि चिंता करना एकदम बेकार है, इससे हमारी एनर्जी, टाइम, पैसा सब बर्बाद होता है। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हम मेंटल डीक्लटरिंग अप्रोच अप्लाई करके एक रियलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं। ये हमको अपनी परेशानियों को दूर करने और ऑर्गेनाइज लाइफ जीने में हेल्प करता है। लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में सोच करके इंसान अक्सर घबरा उठा, जो कि बहुत नेचुरल चीज़ है, पर प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता भी हमको ढूंढना है और हम ढूंढ सकते हैं। हमने इस समरी में जाना कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ नहीं, और ये प्रॉब्लम कब आ सकती है कब नहीं, ये हम पहले से तय नहीं कर सकते। और हाँ, इन्हीं कैटेगरीज में बांट सकते जिनके जो जैसे कि प्रॉब्लम जिनके होने के ना के बराबर चांस है, वो प्रॉब्लम पॉसिबल तो है पर हो नहीं सकती, वो प्रॉब्लम जो आ सकती है वो प्रॉब्लम जो हमेशा आती है, और लास्ट में ऐसे प्रॉब्लम जिसे हम कि हमको उम्मीद भी नहीं। तो अगर हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते तो उसकी तैयारी कर लो और प्लान कर लो कि हम उसे कैसे हैंडल करें। अगर प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल से बाहर है तो उसे उसके हाल में छोड़ दो, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने का कोई मतलब
मतलब नहीं। हमने इस समरी में ये भी जाना कि हमारे लाइफ में तीन प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है। स्टॉक लो, अपना RIO आइडेंटिफाई करो और प्रायोरिटीज को सेट करो। इससे हमको सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प मिलेगी जो हमारे हाथ में है। कई बार चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगती, पर कई बार ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसे हालत में फ्रीकिंग आउट होने से काम नहीं चलेगा। कभी खुद को हेल्पलेस ना समझे, याद रखे कि चाहे कैसे भी हालात हो, मन को शांत रखना सीखिए। रियलिस्टिक बनो और जो भी हो रहा है होने दो। जहाँ तक हो सके लाइफ में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो। और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखना सीखो। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो समझ लीजिए कि आप जिंदगी में हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और इसी बात के साथ में ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये समरी आपको कैसे लगी और आपको कौन सा आइडिया सही लगा, और आपके पास कोई सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और कोई भी नई समरी को आपको सुनना होगा आगे, जो समरी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इसी बात पे अपनी रीडिंग्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।